हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास गीगाबाइट का g41 का मदरबोर्ड है। इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है वो नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं इसमें बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये काउंटिंग हमारी 26 के ऊपर जो है आके रुक गई। इसमें जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। नमलक की पे भी जो है हम दबा के देख रहे हैं, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रैम को डिसकनेक्ट कर रहे हैं, सीपीयू को डिसकनेक्ट कर रहे हैं। सीपीयू की जो है सीपीयू को रिमूव कर देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी कार्बन की प्रॉब्लम, डस्ट की प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सर्विस करके देख सकते हैं। सर्विस करने पे भी मोस्टली डिस्प्ले आ जाता है, अगर नहीं आता है तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सारी बोर्ड की जो है सप्लाई चेक करेंगे, सेक्शन को चेक करेंगे, कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं देखेंगे। अभी तो जो है सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डस्ट इसको हटा। बहुत सारा डस्ट है इस पर, डस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। पहले डस्ट को हटा देंगे प्रॉपरली। रैम स्लॉट के ऊपर भी जो है डस्ट है, बिल्कुल इसको क्लीन करेंगे। फैन में भी काफ़ी जो है डस्ट है, फैन को भी हम साफ कर दे रहे हैं। साफ करने के बाद जो है एक बार क्या करना है, अपने जो है सीपीयू को भी निकाल के एक बार जो है इसमें भी कार्बन की प्रॉब्लम्स होती है, सीपीयू को क्लीन कर देते हैं। इसको काफ़ी केयरफुली करना है, एक्चुअली इसकी कोई भी पिन डैमेज हो जाए तो जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो अगर सॉकेट साफ कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल केयरफुली आपने साफ करना है। काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट की प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलिंग पेस्ट भी नहीं है। कूलिंग पेस्ट एक बार हम जो है नया कूलिंग पेस्ट डाल के देखेंगे। अब क्या कर रहे हैं, एक बार डिस्प्ले चेक करेंगे, डिस्प्ले आया कि नहीं आया, इतने पे ही डिस्प्ले चेक करना। इस बोर्ड के ऊपर काफ़ी कार्बन डस्ट की प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले सर्विस करने के बाद आप डिस्प्ले एक बार चेक कर सकते हैं, मे बी डिस्प्ले आ भी सकता है इसका। Thank you.
एक्चुअली इस बोर्ड के ऊपर आपका DDR2 और DDR3 दोनों रैम के जो फीचर्स हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी भी सीज वन पे रुका हुआ है, एक बार फिर क्या करेंगे, रैम को चेंज करेंगे। कहीं पे कोड ही ना आ रहा है तो एक बार क्या करेंगे, मुझे तो लग रहा है कि डिस्प्ले आ गया। मॉनिटर के साथ में इसे कनेक्ट करके अब देखते हैं। चलिए मैं मॉनिटर के साथ में इसे कनेक्ट करता हूँ। कई बार क्या होता है, डायग्नोस्टिक कार्ड जो है 00 शो करता है, कई बार जो है तो उसको डिस्प्ले आप लगा के चेक करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। कई मदरबोर्ड की ये प्रॉब्लम था, तो मैं मॉनिटर को कनेक्ट कर रहा हूँ। मीटर को कनेक्ट करने के बाद जो डिस्प्ले चेक करेंगे। से देखेंगे देख सकते हैं फ्रंट डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल डिस्प्ले आ गया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी कार्बन की प्रॉब्लम थी, डिस्प्ले हमारे मदरबोर्ड के ऊपर आ गया। इस मदरबोर्ड पे बेसिकली जो है सिर्फ कार्बन की प्रॉब्लम थी, डस्ट की प्रॉब्लम थी, हमने शॉक कर दी, ये प्रॉब्लम कर दी। ओके डन।